नमस्कार दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर हमारे दो दो अकाउंट हैं, क्या करें? क्या मैं एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा सकता हूँ? इस तरह की क्वेरीज आती हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है। अब मान के चलिए कि अगर आपके दो अकाउंट हैं तो दो अकाउंटों में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि RBI की गाइडलाइन आप समझिए। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी व्यक्ति का एक बैंक में एक ही कस्टमर आईडी और एक ही अकाउंट हो सकता है। अलग अलग बैंकों में उसके अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए मेरा अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ही अकाउंट रख सकता हूँ। मैं किसी और ब्रांच में, किसी और स्टेट में जाके दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकता। हाँ, मैं पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, वहां पर जाकर अपना नया अकाउंट खुलवा सकता हूँ। देखिए, आजकल क्या सिस्टम हो गया है, सेंट्रलाइज, जहाँ CBS चलता है। तो मतलब कि अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे नया अकाउंट खोलने के लिए, जबकि आपका ऑलरेडी एक और अकाउंट है, तो सिस्टम आपको तुरंत रोक देगा। सिस्टम बता देगा कि इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपके कोई परिचित भी है, तो आप ये भूल जाइए कि आपके दो अकाउंट खुल सकते हैं। अब मान के चलिए जिनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो अकाउंट है, वो लोग क्या करें? देखिए, उस केस में सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि किसी एक अकाउंट को आप क्लोज करा दें जो आप कम इस्तेमाल करते हैं, और एक अकाउंट को ही से ही अपनी बैंकिंग नीड्स को पूरी करें। दूसरा तरीका यह है कि कुछ केस में दोनों कस्टमर आईडी मर्ज हो जाती है, तो उसकी एक एप्लीकेशन आपको ब्रांच में देनी पड़ती है। क्लोजर सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इसलिए लगता है, फिर आपका एक ही अकाउंट चलता है और कंफर्टेबली आपकी बैंकिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप मर्ज करने का ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसके अंदर करीब 10 दिन का टाइम समय लगता है, तब जाके दोनों आईडी मर्ज हो पाती है और फिर आप दोनों अकाउंटों को रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट अकाउंट की। अगर आप जॉइंट अकाउंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, कई बार हर कोई चाहता है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसका जॉइंट अकाउंट हो। अब इसमें दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस तो ये अराइज होता है कि आपका भी अकाउंट है और आपकी धर्मपत्नी का भी अकाउंट है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि अपना अकाउंट ज्वाइंट करा सकते हैं, कि आप अपने धर्मपत्नी की कस्टमर आईडी अपने अकाउंट में मैच करा लें, उससे आपका अकाउंट ज्वाइंट हो जाएगा। या फिर धर्मपत्नी आपकी जो वाइफ है, उनके अकाउंट को उनके अकाउंट में अपनी कस्टमर आईडी मैच करा लें, तो वो ज्वाइंट हो जाएगा। अब दूसरा केस ये आता है कि आपका तो अकाउंट है लेकिन वाइफ का अकाउंट नहीं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, वाइफ के नाम से नया अकाउंट खुलवा के उसको ज्वाइंट करा लें, या वाइफ के नाम से नया अकाउंट खुलवा लें और फिर जो कस्टमर आईडी जनरेट होती है उससे अपने अकाउंट को ज्वाइंट करा लें। इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ज्वाइंट अकाउंट के बारे में आपको और जानना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो मैंने आई बटन पर क्लिक करिए, आप मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।